नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने कॉन्फर्म साइनिंग कर लिया है आसाम अजियन को, जिसके बारे में कल मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था। साथ ही साथ रिटेन कर लिया है पानाजियाटिस चियाडिस को भी, और फ्रेडरिको गैलेगो के बारे में भी कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों आगे जाके मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा, तो उसके लिए आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जुड़ी बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेंगलुरु एफसी के बारे में। तो बेंगलुरु एफसी ने चेंज किया है अपना होम ग्राउंड। पहले उनका होम ग्राउंड हुआ करते थे श्रीकांति राव स्टेडियम, और अब उनका होम ग्राउंड होने वाला है पुणे का श्री छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम, जो पहले एफसी पुणे का होम ग्राउंड हुआ करता था। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ। तो दोस्तों कल मैंने आसामोआ जियन के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था, और उसके 3-4 घंटे बाद ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने आसामोआ जियन को कन्फर्म साइनिंग कर लिया है। तो दोस्तों आसामोआ जियन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही एक वीडियो में बता दिया था, और एक बार फिर से बता रहा हूँ इस खिलाड़ी के बारे में। तो दोस्तों आसामोआ जियन एक घाना की इंटरनेशनल टीम का खिलाड़ी है, और उनका एज है 33, और ये खेलते हैं मेनली सेंटर फॉरवर्ड के पोजीशन में। इन्होंने घाना के लिए 2006, 2010 और 2014 का वर्ल्ड कप में खेला है, जिसमें 6 गोल और 3 असिस्ट इनके नाम है। इंटरनेशनल करियर में इन्होंने घाना के लिए 105 मैचेस खेला है, जिसमें 51 गोल भी किया है, और इसके साथ साथ घाना का टॉप स्कोरर भी है। इन्होंने अपना क्लब करियर में यूएई गोल्फ लीग, चाइनीज सुपर लीग और सीरी ए के साथ साथ प्रीमियर लीग में भी सांदरलैंड एफसी के लिए खेला है, और इन्होंने क्लब करियर में 4-4 बार गोल्डन बूट का अवार्ड भी जीता है। तो कल मेरे वीडियो अपलोड करने के ठीक 3-4 घंटे बाद ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने आसामोआ जियन को कन्फर्म साइनिंग कर लिया था। तो दोस्तों आसामोआ जियन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में ऑफिशियली कन्फर्म साइनिंग हो चुका है, और आप आने वाले आईएसएल सीजन 6 में आसामोआ जियन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर पानाजियाटिस चियाडिस को भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने रिटेन कर लिया है, और एक बार फिर से पानाजियाटिस चियाडिस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए आईएसएल में खेलते हुए नजर आएंगे। तो पानाजियाटिस चियाडिस एक जर्मनियन फुटबॉलर है, और वो ग्रीस के लिए भी अंडर 19 में खेला है। इन्होंने लास्ट ईयर ट्रांसफर विंडो में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में आया था, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए लास्ट ईयर 6 अपीयरेंस भी किया है, जिसमें उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, और उसी के चलते इनको यहाँ पर रिटेन किया गया। और आप बात कर लेते हैं दोस्तों फ्रेडरिको गैलेगो के बारे में। तो पिछले साल आईएसएल का सेमीफाइनल में गैलेगो का इंजर्ड होने के बाद वो अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं है, और जनवरी तक उनको खेल से बाहर रहना पड़ेगा। तो फ्रेडरिको गैलेगो शायद आईएसएल सीजन 6 के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में 7 फॉरेन प्लेयर्स के लिस्ट में रजिस्टर्ड नहीं होगा, और बाकी जो 7 खिलाड़ी है दोस्तों यहाँ पर मार्टिन सेविस गार्सिया, पानाजियाटिस चियाडिस, मैक्सिमिलियानो बेरेरो, आसामोआ जियन, मिस्लप कॉमर्स की काई हेरिंग्स और जोसे लेडू, इन 7 फॉरेन प्लेयर्स रजिस्टर्ड होंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में आईएसएल सीजन 6 के लिए। और जनवरी तक गैलेगो फिट होने के बाद ट्रांसफर विंडो में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में रजिस्टर्ड होंगे, और जिसका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन रहेगा उसको टीम से बाहर किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जुड़ी बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको साथ साथ नोटिफिकेशन मिल जाए।